हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, और मैं भी पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना पुस्तकों का भंडार। जी हाँ, मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि टाइम नहीं मिल पाया है। किताबें खरीद ली हैं तो वो कुछ पढ़ी रह गई हैं, लेकिन बहुत जल्द दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान होगा आपको होगा, उतना ही आप ज्ञान बढ़ा पाएंगे लोगों का, उससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा ऐसे ही इधर उधर तितर बितर करके पड़ी हुई हैं, इन्हें सही करना है, धूल बैठी हुई है इन पे। ये देखिए, लूसेंट की ये जनरल नॉलेज, ये तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये आपका जो अभी सी सेट में आता है, आपका व्याकरण, ये उसमें आती है हरदेव बारी की बुक, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ी पढ़ी रखी रखी रह गई। ये आपकी देखिए, ये है सतीश चंद्रा की, नहीं ये है राम शरण शर्मा की बुक है, देखिए हिस्ट्री की क्लास 11 की, एशियन इंडिया की, तो बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर भी एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती है। और ये ज्योग्राफी की बुक्स है, क्लास 8 से लेके 12th तक। तो कोई नहीं, अब ये पूरा इनको सही करना है, इनको सजाना है। और ये देखिए, ये बोर्ड भी लगा दिया है, इसमें हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी हेल्प होगी, तो बेचारे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इससे अपना ज्ञान भी बढ़ेगा और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये है पॉलिटी की बाइबल, जिसे कहते हैं लक्ष्मीकांत। पॉलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ये बुक ना सॉल्व कर सकती हो। इसके साथ एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़िए, और पढ़ाइए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये आती हैं आपकी घटना चक्र, ये एक्चुअली स्टेट पीसीएस की, जनरली यूपी की है, क्योंकि हर साल जब भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है तो इस तरह की घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर को कंबाइन करके अपनी ये बुक्स निकालती हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अपने पास तो टाइम नहीं होता, क्योंकि 12-12 घंटे की जॉब। आपको बताऊं, मैंने सारी किताबें 2 बार पढ़ी हुई हैं, लेकिन वही है ना कि आदमी भूल जाता है अगर टच में ना रहे तो। लेकिन आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, इसलिए पढ़ते रहें, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। और ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, भले आपका कोई एग्ज़ाम निकले ना निकले, अगर आप पढ़ते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप ही होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अपनी जॉब यार कभी 12 घंटे की होती है, कभी 14 घंटे की होती है, उसके बावजूद भी अगर मैंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो आप तो अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि आपका भी कुछ लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास टाइम है, तो आप मेहनत ज़रूर करिएगा।